हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विश्वास मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की मेरी वीडियो टॉपिक है कि रूम प्लान कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि होटल का विस्तार होती गया, उस प्रकार गेस्ट की आवश्यकताओं को देखते हुए रूम में कुछ बदलाव किए गए, जो कि रूम प्लान उसका एक हिस्सा माने जाते हैं और या अहम पार्ट माने जाते हैं कि गेस्ट को हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं। रूम प्लान एक महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि रूम प्लान में क्या क्या होता है और या कितने टाइप के होते हैं। नॉर्मली 5 प्रकार के रूम प्लान होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला होता है एपी प्लान। एपी प्लान को अमेरिकन प्लान भी कहा जाता है। इसमें हम गेस्ट को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीज इंक्लूड करके देते हैं। दूसरा होता है एमएपी प्लान। एमएपी प्लान को मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान भी कहा जाता है। इसमें गेस्ट को हम ब्रेकफास्ट और लंच या डिनर में से दो में से एक चीज़ प्रदान करते हैं। तीसरा होता है सीपी प्लान। सीपी प्लान को कॉन्टिनेंटल प्लान भी कहा जाता है। इसमें हम गेस्ट को ब्रेकफास्ट प्लस इंक्लूड करके देते हैं। चौथा होता है बीपी प्लान। बीपी प्लान को बरमुंडा प्लान भी कहा जाता है। इसमें गेस्ट को हम ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके देते हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट पार्ट में बताऊंगा कि सीपी प्लान और बीपी प्लान में क्या अंतर है। पांचवा प्लान है एपी प्लान। एपी प्लान को यूरोपियन प्लान भी कहा जाता है, जो कि इसमें गेस्ट को ओनली रूम बस दिया जाता है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि सीपी प्लान और बीपी प्लान में क्या अंतर है। सीपी प्लान में ओनली गेस्ट को कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट दिया जाता है और बीपी प्लान में कॉन्टिनेंटल प्लस अमेरिकन ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, जो कि एक हैवी ब्रेकफास्ट माना जाता है और इसे प्लस बूस्टर ब्रेकफास्ट भी कहा जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो जरूर लेके आऊँगा। नमस्कार।